हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वापस आ चुकी हूँ मैं अपने घर में, और एक दिन हो भी गया है मेरे को बीमार होते हुए। और आप देख सकते हो मेरी आंखें अभी भी थोड़ी लाल ही है। बीमार हूँ मैं, और अभी सुबह हम पानी पी रहे हैं। और ये देखो, सुबह सुबह मेरे पास कौन आया है? राम राम भाई सारे है। राम राम भाई सारे ने। तो मैं और प्रिंस जा रहे हैं अभी हनुमान मंदिर, क्योंकि आज मंगल। प्रिंस भी सुबह ही उठ गया, अभी चलो मंदिर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। घर में जोतू वगैरह कोई नहीं है, वो गए अंजू दीदी के घर। तो घर में सिर्फ मैं, मम्मी और प्रिंस ही है। तो हम दो तो जा रहे हैं भाई मंदिर। मंदिर चलो चलो चलो। कई दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ अपने घर में। मम्मी को ढूंढते हैं, मम्मी कहाँ है? मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी यहाँ सूर्य देवता को प्रणाम कर रही है। हे सूर्य देव, मेरी मम्मी को मत ही देना। सूर्य देव, गुड मॉर्निंग मम्मी। हम प्रिंस तो चाबी भी लिया। हम जा रहे मम्मी हनुमान मंदिर। अच्छी बात है, दिस इज मंगलवार टुडे। तो मंदिर को तो जरूर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो हम जा रहे, सद्बुद्धि देते भगवान, दे रहे भगवान सद्बुद्धि। और दोस्तों, आजकल ना जैसे पतझड़ का मौसम हो गया है, तो देखो ऐसा लगता है ना जैसे सारी एनर्जी खत्म सी हो गई। हमारे घर के पास बहुत सारे पेड़ है, तो हर रोज यहाँ बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। मम्मी ने क्या किया, इसमें पत्ता इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि हम इसकी खाद बना देंगे। पत्तों की अब बनती है कि नहीं है तो हमें भी नहीं पता, पर अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो मम्मी हमारे लिए चाय पानी का इंतजाम कर देना आपने। चाय पानी इंतजाम, ठीक है भाई। और यहाँ से सनराइज भी हो गया है। इसी तरफ सनराइज होता है, वहाँ उस तरफ है हनुमान जी का मंदिर, काफी नीचे, ऐतिहासिक हनुमान मंदिर धामी का। और ये मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है। अभी चल रहे हैं मंदिर की तरफ, फूल ले चलते हनुमान जी के लिए। हाँ, ये है प्रिंस की बाइक, इसमें जा रहे। और वो वहाँ पे मेरी बाइक लग रखी है, और मैंने इसकी इसके साथ भी, बेचारी के साथ एक भी वीडियो नहीं मैंने बना रखी कि क्या रिव्यूज़ है इसके, क्या नहीं। आप लोग कमेंट में बताना कि ये बाइक आपको कैसी लग रही है। और जब से ले रखी ना, मैंने धो भी नहीं रखी, एक बार भी नहीं इसको धोरा, ना इसके साथ कोई वीडियो बनाई, समय नहीं लगा इतना। जी गुड मॉर्निंग, चलो मंदिर चलते हैं, हनुमान मंदिर। तो चलो यहाँ से प्रिंस बैग ही ले जा रहा है। तो दूर नहीं है यहाँ से हनुमान मंदिर, सिर्फ एक मिनट का रास्ता है, फिर भी हम बाइक में जा रहे हैं। ऐश देख रहे हो, ठाट देख रहे हो हमारे। तो एक मिनट से भी कम के समय में हम पहुंच गए प्राचीन हनुमान मंदिर। और अब चलते हैं, यहाँ पे और भी काफी लोग आए होंगे, तो हम लोग भी आएंगे सुबह सुबह। जय हो बजरंगबली की जय। चलो चलते वापस, बैक टू होम। उधर पता नहीं आपको, अंजीति के घर कब गए? कल जो गए। कौन कौन? तो ये देखो गाइस, ये है अपना चूल्हा, और मम्मी ने यहाँ पे आग भी जला रखी है। और मेरे को ठंड भी ऐसी लग रही थी ना, मेरे पैर सुन्न हो रहे, मेरे पैर ठंडे रहते ना, इसी वजह से मेरे को ठंड लगती है, इसी वजह से मैं शायद बीमार हूँ। पहले मेरे को ठंडी रहती थी, उसी वजह से ठंड में आग सेकने का मजा ही कुछ और है, अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है, ऐसा लगता है मन तृप्त सा हो गया। गर्म चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद करते कुछ काम धाम। ग्रो बैग भर दो आप। ग्रो बैग, ओके। वैसे उसके लिए मैंने पहले से मिट्टी और वो निकाल तो रखा है। वो मैंने दो बैग जो भर। कैसे लगे आपको ग्रो बैग? बहुत बढ़िया है, अच्छा आइडियाज है ना मेरे पास, मानते हैं आप मेरे दिमाग को? अब बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और मम्मी है, तो हम सिर्फ दो लोगों का खाना बनाएंगे। तो दो लोगों के लिए आई लव कद्दू, कद्दू मेरा फेवरेट है, तो आज मैं कद्दू बना रही हूँ। वन में महक सब। तो चले गए आंगनवाड़ी के लिए, घर में सारा काम छोड़ गए, मेरे भरोसे घर में मैं ही हूँ।
तो मैंने अभी गाय को पानी पिलाया, अब इसको अंदर करूँगी। और ये देखो यहाँ पे छोटा सा किचन गार्डन हमारा, जो कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे भी मिट्टी सेज फेंकी थी, इसमें कुछ कुछ तो लग गया है। छोटी सी कैरी, बिल्कुल बहुत छोटी सी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने ऑनलाइन मंगा रखे है, ग्रो बैग बोलते हैं इसको, इसमें मैंने सेज मिट्टी डाली हुई और ये मैंने यहाँ पर इकट्ठी करके रखी है बहुत सारी कट्टों में, सेज और मिट्टी मैंने इसमें डाली और ग्रो बैग मेरे पास काफ़ी सारे हैं। और मैंने टोपा पहन लिया क्योंकि मेरे को लग रही भाई साहब ठंड, आई एम नॉट वेल। मैं अभी दवाई खा रखी है, अभी थोड़ी देर बाद मैंने ड्यूटी के लिए भी जाना है। हे परमात्मा मुझे शक्ति दे रहा माँ। अभी मैं जोतू को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि जिद्दी के बाद वही है जो घर का सारा काम संभाल लेती है, तो अभी सब कुछ मेरे को खुद करके जाना पड़ रहा है। अभी मैं गाय को अंदर बांधूँगी यहाँ पे, उसको घास वगैरह डाल के गोबर इकट्ठा करके, और अपनी तबीयत जब खुद भी ना होना ठीक तब तो और ज़्यादा ऐसा करता है कि यार वो क्यों गए, पर चलो वो अंजू दीदी के घर गए तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाओ जा, तुझे माफ़ किया, दिल को मैंने मेरे साफ किया। तो मैं गाय को अंदर कर देती हूँ क्योंकि बाहर भी धूप लग रही है और मैंने चले जाना उसके बाद, तो फिर या मैं गाय को बाहर ही जाने दूँ, एक बार मम्मी को पूछ लेती हूँ। तो देखो दोस्तों हमारे घर में कौन आया है, हम कुड़ी। देखो यहाँ पे हमारी घर के आंगन का दृश्य, क्यों नाराज है आपको मेरे से? क्यों नाराजगी है? हमको गाय को रोज रोटी लाती है बेचारी, और गाय हमारी पारी दे रही है हमको। हमको चंडवन्ना ठीक तो आप ठीक है? क्यों नाराज क्यों है वे? तो कहाँ मिलती है मेरे को, कहाँ तो आप थे ही नहीं यहाँ, और थी ना मैं तो चौथे पांचवे दिन आ गई। तो आपको पता पहले मैं शादी में व्यस्त थी, उसके बाद मैं कहाँ शिमला चली गई, फिर उसके बाद आप भी शिमला चले गए थे। शिमला तो मैं वो दिवाली मनाने गई। दिवाली मनाने को, दिवाली अपने घर में परिवार में मनाते की अगले दिन? ये जो आपने नए नए पखंड सीखे ना, परिवार में होती हर चीज, हमको तुझ तो सियाने मानू, आपको तो नहीं बोलनी चाहिए ऐसी चीजें। अगले दिन मनाई ना यहाँ, और तब दूसरे दिन ये तो मान गए थे बच्चे, बोलो चलो हम जा आते हैं और तू यही रह जावे। नहीं जो देखो हम खुद दिवाली अपने पुराने घर में मनाते हैं। आई प्रिया छोटी दिवाली तो मनाई हमने, आई ना तब उसको मनाना थोड़ी बोलते उस दिन, तो ऊपर भी मनानी पड़ती है। शेगी ने तो खेत का नाश कर दिया हुआ इधर, मतलब क्यारी का, हर जगह गड्ढे डाले हुए। डांटा आपने इसको? फिर लगे दो तीन शक्ल कैसे बनाते, क्या किया है? नहीं तेरे को किसने बोला क्यारिया को खनने के लिए? खेती बाड़ी कर रही है देती। कैसे कांप रही? कांप तो बहुत रही है। लगे दो तिल नपलाले। मार पड़ी आज मम्मी से? नहीं तू ऐसे काम करती क्यों है? क्यों है खेत खाना तूने? रेशेगी पूरी कांप गई है, देखी क्यों गया? क्यों करा था ना ये, बोला बदतमीज गई की मम्मी से तो शायद आंखें नहीं मिलाती जब ऐसे काम करती। इधर देख, इधर देख, देख सारे के सारे उल्ट पुल्ट कर दिए। बात घर का दृश्य। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी शैगी ऐसी डरी हुई, मम्मी ने उसकी ठीक कुटाई की, तो उसने भी बोला हमने खेत में छोटी सी कैरी में इतना बढ़िया लगा रखा, और उसने सारा मतलब ऐसे हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते खन दिया है। और खुशी की बात यह है कि जोतू खुशी वापस घर आ गए, और प्रिंस कुमार राजकुमार राम राम भाई सारे ने बोल के एक बारी पर हरियाणवी बोल दे ऐसे प्रॉपर। हाँ कि कैसे आप सब लोग? और भाई तम सारे क्यों करो? और एक बार पहाड़ी बोल दे है? पहाड़ी में बोल, पहाड़ी कैसे जब पहाड़ी में बोलता तुम्हारी लैंग्वेज में कोई भी लाइन
किसमें में? कुछ नहीं बोलता तू, ऐसे एक आधी लाइन बोलता तो क्या के ईओ ताके पता मार तुसी नहीं होना आशिक राई देना भी तब पहाड़ी भी बोल लेता है। हमने सोचा था प्रिंस से हरियाणवी सीखेंगे लेकिन पहाड़ी बोलता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जोत खुशी भी घर आ गए हैं तो उसके बाद से मतलब काफी ऐसा लग रहा है कि ठीक अच्छा सा लग रहा है। हेलो दीदी, देखो कौन आया। तेरे को पता तेरे बिना तो मेरे ऐसे हो गई थी अति समझती है सारे काम मम्मी ने मेरे से खुद करवाने लगा पता भाई साहब। हाँ। तू इस घर की वो है वो शादी के बाद आदत हो जाएगी मैं वो भी। हाँ तू भाई बड़ा काम करती जो तू सच में तेरे बिना तो गाय को पानी तक पिलाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। हाँ। सच में भाई हम तो सुबह उठ के हमने हनुमान को ही दर्शन किए, मैं को भगवान शक्ति देना हमें। हाँ तो भाई जो तू वापिस आ गई है हमें तो इस बात की खुशी है भाई। जैसी वापिस आई इसने पूरी सफाई बर्तन आंगन में झाड़ू, वरना आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि दीदी के आने के बाद घर घर बड़ा। हाँ वरना हम जैसे हम दोनों ने तो क्या था बनाया, हॉस्टल वाले हमने तो हॉस्टल वाले यहाँ पे मूंगफली खिलाई भी, उसके बाद उठाए नहीं छिड़के उसके ऊपर दलीचा उल्टा करके मार दिया। प्रिंस कर गया था ये, पहले इसने शैकी को मूंगफली दी ना। मैंने नहीं दी मूंगफली, कौन लेके आया था मूंगफलियां तो मैं लेके आया। शैकी को तुमने दी? शैकी को मैंने दी, दीदी ने दिखाया ना कि हमारी शैकी ना मूंगफलियां छिलके खाती है। उसमें छिलके मूंगफली खा गई, छिलके नीचे रखे उसके ऊपर ऐसा दलीचा फोल्ड करके पा दिया। अभी क्या हॉस्टल लाइफ में, मैं प्रिंस तो हॉस्टल लाइफ की तरह रहते अपने घर में। तो जैसी हमारे जो तुअती वार्डन है हमारे घर की है ना, हमारे हॉस्टल तो ना मेरे रूम को जाए बहुत दिन हो गए नहीं इन्होंने सुनाना मेरे को। पिछली बार सुना था जब मैं इसके रूम गई तुम्हारा ढंग से रहा कर लिया, साफ सफाई कर लिया, वार्डन वार्डन है हमारी। तो गाइस हमारी वार्डन वापस आ गई है और हम आज बहुत खुश है, है ना प्रिंस? मानो बनना होता है ना फिर बाद में दीदी के आने के बाद। सही गल है, वार्डन आ गई। हाँ तो गाइस सबके घर में ऐसा सदस्य जरूर होता है जिसके जाने से घर ऐसा बिखरता है ना जैसे। हालांकि ये पोस्ट अंजीदी की थी, अंजीदी के जाने के बाद जोतू ने तुरंत ही हमने तबादला करवाया जोतू का, जोतू को उस पोस्ट पर वो कर दिया ज्वाइनिंग। ऐसे की ना मेरे रूम की सफाई, सारा सामान घूम, मम्मी बोले मैंने सारा सामान सेट कर दिया तेरा, अगले दिन पूछू मम्मी मेरा सामान कहाँ है। तुम लोग भी ये नहीं पता, मां नहीं पता, कोई मेहमान लगे ना आने पे सफाई करने को बोलो, तुम वैसे करते हो घूम यहां से सारा सामान गोल। मेरा सामान तो शादी के समय का अभी तक नहीं मिला। ऐसा ना फोटो लेके नहीं हो ना, कुछ नहीं वीडियो है। जो आपको बोला कि खांसी की दवाई लाओ, लाए आप बोल तो रहे मैं प्रिंस जाया थे जी नहीं है ये लगा लगाया है बस तो नहीं हो रहा बेट, खांसी ठीक नहीं हो रही, दो दिन से तो तीन दिन हो गए दवाई खाते। तो अभी खेल चलो जाके ठीक हो जानी है ना। मैं और प्रिंस जा रहे हैं अभी दवाई लेने, है ना प्रिंस? चलते हैं बोलो ना ना आपकी साइड हम ना सही सही डिसीजन के साइड है। अच्छा सही डिसीजन है, अब दवाई अगर जरूरी होगी तब तो लेने भी जाते। हाँ। इससे पहले क्या करने गए थे? इससे पहले क्या कहाँ गए थे? इससे पहले मैं फीड की बोरी लेके आई हूँ, फीड के लेके आए तो मैं नहीं गया था साथ में। कितना था दवाई का भार, कितना था ड्यूटी से का भाई, कुछ फीड का भार कितना था दवाई ड्यूटी का? 45 किलो की फीड की बोरी लेके आई तू। रात्रि भोजन फिर से खिचड़ी के साथ हम संपन्न कर रहे हैं। अब जो तू आ गई कल से अच्छा अच्छा खाएंगे भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जो तू कल क्या बनाई है? बहुत मजा आएगा। मैंने तेरे को सूजी वाली रेसिपी भेजी ना वो बनाई कल, ठीक है? मैं भी बोलूंगा मटर पनीर देना इसमें थाली में, और थोड़ा सा पनीर डालना ऐसे दीदी, थोड़ा सा पनीर डालो। खिचड़ी खा खा के अति आ गई यार जो तू। हाँ खिचड़ी मैंने पहले दिन भी खिचड़ी खाई है ना प्रिंस, उस दिन तू भी था ना, तूने भी खिचड़ी खाई थी आज दिन में? सिर्फ कल खाई हमने, कल बनाई मम्मी ने राजमा, आज खाई है। जिस दिन आया था उस दिन खिचड़ी थी ना, तब तूने बोला भी यार नमक भी, और फिर मम्मी ने खाई आधी, उस दिन मैंने खिचड़ी खाई। उससे अगले दिन सुबह क्या था बना, मेरे को तो अच्छा लगता है। तो भाई आज तो आ गई, थैंक यू मम्मी। नहीं 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 नो, आप इस बात से मुक्त नहीं सकते, आपको बेटी को बहुत सुख है। तो गाइस आज इस खिचड़ी को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और देखो गरीब आदमी के घर में तो खिचड़ी बनती है। हाँ बहुत गरीब है, हम खिचड़ी खा रहे बहुत दिनों से। ऐसा ना, तो चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।